जल्दी नहीं गिरना चाहिए करके एक ज़बरदस्त दवाई का इस्तेमाल कभी कभी हम करते हैं, उसका नाम है डेपॉक्सिटिन, और कुछ लोगों में बहुत ही कारगर होती है। यह SSRI ग्रुप की दवाई, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर। थ्योरी ये बताती है कि जिनको जल्दी गिर जाता है या जल्दी गिरने का प्रॉब्लम है, तो एक थ्योरी है उनमें सेरोटोनिन लेवल्स कम होती है सिनेप्सिस में, और सेरोटोनिन लेवल्स कम होने से उनका थ्रेशोल्ड कम हो जाता है और जल्दी गिर जाता है। तो भी हमको क्या करना होगा कि हमको ऐसी दवाई का खोज करना होगा या ऐसी दवाई लेनी होगी कि जो दवाई सेरोटोनिन का जो प्रमाण है वो बढ़ाएंगी सिनेप्सिस में, और सेरोटोनिन का प्रमाण बढ़ जाता है तो डेफिनेटली उसका फायदा होगा और जल्दी गिरेगा नहीं। डेपॉक्सिटिन ये जो सॉल्ट है उसके अलग अलग मार्केट के नाम हैं। तो ये सॉल्ट है 30 मिलीग्राम की ये गोली मिलती है, और ये गोली आप लेते हैं तो इससे बहुत लोगों को अच्छा फायदा होता है। मतलब लोग कभी कभी ऐसे मेरे पास में आते बोलते यार आपने तो मैं तो आपको बहुत लेट मिला, ये दवाई तो बहुत अच्छी है, ये मैं लेता हूँ तो अभी मुझे 5-10 मिनट 15 मिनट तो आराम से चलता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। मगर डेपॉक्सिटिन ये दवाई आप लेते हैं तो उसके कुछ प्रॉब्लम भी है, जैसा उससे नौशिया होता है कभी कभी, जी मछलाना, कभी किसको कुछ उल्टी होती है, या फिर कभी किसी को चक्कर आती है, पेट खराब हो जाता है, एसिडिटी होती है, या लैट्रिन साफ नहीं होती है, रात को नींद नहीं आती है, तो फिर उसके लिए आपको और कुछ दवाई लेनी पड़ेगी कि जो दवाई या साइड इफ़ेक्ट्स कम करे। दूसरा ये डेपॉक्सिटिन जो है ये गोली जिसको हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, लीवर प्रॉब्लम है, नहीं लेना चाहिए। डेपॉक्सिटिन जैसा मैंने बताया SSRI है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर, ये ग्रुप की दवाई है। तो वो ग्रुप की और भी दवाई है, पैरोक्सिटिन है, फ्लियोक्सिटिन है, सरेट्रालिन है, और वो भी दवाई का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्या कि जब दवाई लोगों को हमने डिप्रेशन के लिए दिया, जब डिप्रेशन के लिए दवाई का इस्तेमाल किया था, क्योंकि डिप्रेशन का एक थ्योरी क्या है, डिप्रेशन की एक थ्योरी ऐसी कि सेरोटोनिन लेवल्स डिप्रेशन में कम हो जाती है ब्रेन में, इसलिए डिप्रेशन आता है, तो उनको सेरोटोनिन लेवल बढ़ाने के लिए ये दवाई दिया। और ये पेशेंट्स लोगों में ये मालूम पड़ा कि पेशेंट्स लोग हमारे पास में आए और बोले कि आपने जब दवाई दिया तो डिप्रेशन तो ठीक हो रहा है मगर अभी वीर्यपात नहीं हो रहा है, पतन नहीं हो रहा है, आधा आधा घंटा चलता है। तब हमें पता लगा कि अरे ये दवाई इसके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी काम में आ सकती है शीघ्र पतन के लिए, और फिर उसका इलाज शीघ्र पतन के लिए भी चालू हुआ। तो सिलेक्टिव लोगों में ये दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। ये दवाई डेपॉक्सिटिन ये टाडालाफिल के साथ में भी आती है, कॉम्बिनेशन में सिल्डेनाफिल के साथ में भी आती है, क्योंकि क्या होता है बहुत लोगों को शीघ्र पतन तो होता ही है, जल्दी गिर जाता है, उसके साथ साथ उनको इरेक्शन का भी प्रॉब्लम आता है, तो लोगों में काम में आती है। शीघ्र पतन का प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ मिनटों का नहीं है खेल, एक्चुअली क्या बाय डेफिनेशन ऐसा बोला जाता है कि एक मिनट के पहले यदि आपका पतन हो जाता है तो वो शीघ्र पतन माना जाता है। मगर कुछ कुछ लोगों को, पुरुष को तो अच्छा हो जाता है, मतलब समाधान है, संतुष्टि है, मगर औरत समाधान नहीं है, संतुष्टि नहीं है, बोलती और करो, आप तो खत्म हो गए, मैं तो शुरू भी नहीं हुई। तो शीघ्र पतन तब बोला जाता है कि दोनों पार्टनर ने संतुष्ट होना चाहिए, और दोनों पार्टनर संतुष्ट होते नहीं है तो शीघ्र पतन है। डेफिनेशन ऐसे कि एक मिनट के पहले जल्दी गिर जाता है तो वो शीघ्र पतन है, एक मिनट से 3 मिनट है तो वो मॉडरेट प्रॉब्लम है, मीडियम प्रॉब्लम है, एक मिनट से कम है तो सीवियर प्रॉब्लम है, 1 से 3 मिनट मीडियम प्रॉब्लम है, 3 से 5 मिनट माइल्ड प्रॉब्लम है, 5 मिनट से ऊपर है तो ठीक है, नॉर्मल है। क्योंकि अक्सर पाया गया है कि स्टडीज में अलग अलग 5 मिनट 40 सेकंड ये एवरेज है, मगर आप दवाई लेते हैं तो जिनको 5 मिनट 40 सेकंड भी जिनका एवरेज है 5-6 मिनट का भी है और वो लोग लेते हैं तो उनका भी टाइम 10 मिनट 15 मिनट बढ़ सकता है। तो डेपॉक्सिटिन का इस्तेमाल आप जरूर कर सकते हैं मगर साइड इफ़ेक्ट्स है, और मैंने आपको बताया कि किसने नहीं लेना चाहिए, तो आप अपने डॉक्टर को पूछ के ये दवाई का इस्तेमाल करते तो शीघ्र पतन में बहुत अच्छा फ़ायदा आपको मिल सकता है। शीघ्र पतन बहुत लोगों को है, ये वीडियो आप लोगों को शेयर करते तो डेफिनेटली लोगों का वैवाहिक जीवन
खुशी से भर जाएगा। यदि आपको कुछ मुझे पूछना है तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, नीचे नंबर दिए, ऑफलाइन कंसल्टेशन के लिए आ सकते हैं, वीडियो कॉल ऑडियो कॉल कर सकते हैं, और मैं आपको देख के इन्वेस्टिगेट करके ऑनलाइन इलाज कर सकता हूँ। आपको हमारे ऑनलाइन सेक्स काउंसिलिंग सेमिनार्स में आप आ सकते हैं और आप आपका इलाज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।